नमस्कार, मैं कनुप्रिया और आप देख रहे हैं न्यूज लाइफ। येदुरप्पा बने कर्नाटक के सीएम, 15 दिन में साबित करना होगा बहुमत। राज्यपाल वजूभाई वाला ने बीएस येदुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आज सिर्फ येदुरप्पा ने ही शपथ ली, जबकि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण विधानसभा में फ्लो टेस्ट के बाद होगा। येदुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को टालने की कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और बीएस येदुरप्पा से सरकार गठन के लिए जरूरी 112 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र पेश करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई कल होगी। येदुरप्पा के शपथ ग्रहण के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत और सिद्धारमैया सहित कांग्रेस विधायकों ने बीएस येदुरप्पा के शपथ ग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। धरने में जेडीएस के विधायक भी शामिल हुए और पूर्व प्रधानमंत्री व जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा भी पहुंचे। जस्टिस कर्णन ने बनाई राजनीतिक पार्टी। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सीएस कर्णन ने एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई है। कर्णन ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में वह केवल महिला उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वाराणसी सहित पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। पार्टी के पंजीकरण के लिए मुख्य चुनाव आयोग से संपर्क कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 20 जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा था। दूसरी बार सबसे साफ शहर बना इंदौर। जैविक कचरे से बना रहा मिथेन। लगातार दूसरे साल इंदौर और भोपाल देश के दो सबसे स्वच्छ शहर चुने गए हैं। इस बार भी इंदौर को पहला और भोपाल को दूसरा स्थान मिला है। चंडीगढ़ देश का तीसरा सबसे साफ शहर है। इंदौर सफाई के साथ ही जैविक कचरे से मिथेन गैस का उत्पादन करने वाला शहर भी बन गया है। इस गैस का इस्तेमाल सिटी बस, ऑटो रिक्शा और लोक परिवहन के अन्य वाहनों में किया जाएगा। इस मिथेन गैस का ईंधन के तौर पर अभी ट्रायल चल रहा है। समुद्र किनारे मिला विशालकाय जीव, लोग मान रहे आपदा का संकेत। फिलीपींस के ओरिएंटल मिंडोरो प्रांत में लोगों ने समुद्र किनारे एक मृत विशालकाय जीव को देखा तो हैरत में पड़ गए। ट्रक के आकार और बड़े बड़े वालों वाला 20 फुट लंबे और करीब 2 टन वजन के इस जीव को लोगों ने समुद्री शैतान का नाम दिया है। लोगों को लगा है कि ये कोई पौराणिक कथा में हुए जिक्र से मिलता जुलता कोई जीव है, जो किसी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले का संकेत है। अमेरिका में भी तूफान का कहर, कई जगह आपातकाल घोषित। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी तूफान कहर बरपा रहा है। अमेरिका के पूर्वोत्तर में गेंद के आकार के ओलों के साथ मूसलाधार बारिश और शक्तिशाली तूफान से 2 लोगों की मौत हो गई और 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। तूफान से सड़कें अवरुद्ध हो गई, जिससे पूर्वोत्तर के ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुमो ने पुतनाम, डचेस, ऑरेंज और सुलिवान काउंटी में आपातकाल घोषित कर दिया है। फटने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी। कुछ दिनों पहले अमेरिका के हवाई आइलैंड पे किलुआ ज्वालामुखी फट गया था और अमेरिका ज्योग्राफिकल सर्वे ने अंदेशा जताया है कि इस ज्वालामुखी में कभी भी भयानक विस्फोट हो सकता है, जिससे बड़ा नुकसान संभव है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे का तापमान 102 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इससे हाई लेवल का सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, जो आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। ये हवा में 100 फुट की ऊंचाई तक जा रहा है। जीएसटी से बाहर हो सकती हैं मुफ्त बैंकिंग सेवाएं, आम लोगों को मिलेगा फायदा। एटीएम से पैसे निकालने और अन्य बैंकिंग सेवाएं महंगी होने की आशंका खत्म हो गई है। बैंक की तरफ से चेकबुक जारी करना और एटीएम से पैसे निकालने जैसी कई सुविधाओं को जीएसटी से बाहर रखा जा सकता है। दरअसल विभाग की तरफ से जीएसटी को लेकर यह सवाल उन नोटिस के बाद उठाया गया है जो आयकर विभाग ने बैंकों को भेजे थे, जिनमें कहा गया था कि वे अपनी तरफ से ग्राहकों को दी जाने वाली मुफ्त सेवाओं पर टैक्स दें। राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका, बटलर और स्टोक्स के बाद शेन वॉर्न भी स्वदेश रवाना। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब टीम के मेंटर शेन वॉर्न वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं। शेन वॉर्न के साथ राजस्थान के 2 स्टार खिलाड़ी भी अपने देश लौट गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो रहे टेस्ट मैच के लिए जोस बटलर और बेन स्टोक्स भी इंग्लैंड चले गए हैं। राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में 4th नंबर पर है। कोलकाता रन रेट की वजह से उससे आगे 3rd नंबर पर है। पत्नी संग एयरपोर्ट पर नजर आए हिमेश रेशमिया। बॉलीवुड गायक, संगीतकार और अभिनेता हिमेश रेशमिया मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी सोनिया कपूर के साथ नजर आए। हिमेश रेशमिया ने विगत 11 मई को गुपचुप रूप से सोनिया कपूर से शादी करके सबको चौंका दिया था। हिमेश ने कहा था कि वह और सोनिया करीब 1 दशक से अच्छे दोस्त रहे हैं। इस रिश्ते को और मजबूती देते हुए अब हमने शादी कर ली है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज लाइव।